अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस पेन की मदद से ना चोरी कैसे करते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले इस ढक्कन को ना गड्डी के पहले नोट पे फंसा लो, बिल्कुल अच्छे से और आराम से, ठीक है। उसके बाद इसको धीरे 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 फोल्ड कर लो। इससे गड्डी का पहला नोट भी निकल जाएगा और इस तरीके से हम चोरी भी कर लेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छा काम है। अब एक बात बता, इस सूटकेस में कितनी गड्डी होगी? 100 गड्डी है इसमें। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर एक काम करो, हर एक गड्डी में से ना एक एक नोट निकाल दो, इससे चोरी भी हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। मैडम ये तो बहुत बढ़िया काम है, ले जाओ। ठीक है मैडम। 18, 19, 20 ये लो अमन, तुम्हारा हिस्सा। मैडम अगर ऐसी काम चलता रहा ना तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। हम दोनों अमीर हो जाएंगे और मैं तो तुम्हें ये कहती हूँ कि इस काम को ना हम बरकरार रखते हैं। और हाँ, अगर कानो खान किसी को खबर हो गई ना तो हम इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। मैडम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस जाओ तो। ये लो अमन, तुम्हारी आज की कमाई, और ऐसे ही ना मन लगा के काम करते रहो, हम बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। एक मिनट अमन रुको। इशू ये क्या सुन रहा हूं मैं कि पिछले एक महीने से गुप्ता जी की पेमेंट कम पहुंच रही है, गड्डी में से एक एक नोट गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर हमें क्या पता होगा, आप हमें पेमेंट देते और हम वही पेमेंट आगे गुप्ता जी को दे देते हैं। बोलो ना अमन। जी सर, जैसी पेमेंट आती है हम वैसे भिजवा देते हैं सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं पेमेंट यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, उसके बाद तुम ये पेमेंट गुप्ता जी को पहुँचाती हो। और ऐसा कैसे हो सकता है? और अमन तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा तो तुम लोगों को कुछ नहीं पता। रुको ये लो ये गड्डी और एक एक नोट गिनो। सर लेकिन लेकिन कुछ नहीं, गिनो इसे। सर इसमें तो सिर्फ 99 नोट्स है। अच्छा तो ये नोट कैसे कम हुए, कोई बताएगा मुझे? मुझे लगता है सर ये सब कुछ ना बैंक वालों ने किया होगा, ये सब कुछ ना उन्हीं का किया धरा है। चुप करो इशू, मैं बैंक से खुद एक एक गड्डी गिन के लाता हूँ। और अमन तुम मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है और ये नोट कैसे कम हो रहे हैं? सर मुझे नहीं पता, आप ही बताइए 100 गड्डी में से कौन नोट चोरी करेगा। अमन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि सूटकेस के अंदर 100 गड्डियां हैं? चुप रहो तुम, मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस को बुलाऊं और वो तुम्हें डंडे मारे। सब बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसी में तुम्हारी भलाई है। अभी बताता हूँ सर। इससे गड्डी का पहला नोट भी निकल जाएगा और इस तरीके से हम चोरी भी कर लेंगे और किसी को कानो खान खबर भी नहीं होगी। सर मैं तो मैडम के कहने में आ गया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पैसों का लालच हो गया था। अच्छा तुम दोनों ने बहुत गिरी। और इशू तुम तो इस कंपनी में सीए की पोस्ट पे हो ना, फिर भी तुमने एक घटिया हरकत की, अब तुम दोनों को जेल जाना ही पड़ेगा। सॉरी सर, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। हेलो, हाँ राहुल फटाफट पुलिस को कॉल कर। भैया मेरी वो ब्लैक वाली शर्ट कहाँ है? मैं नहाने जा रहा था, मुझे चेंज करना है। अरे वहीं पड़ी होगी, ध्यान से देखना यार। अच्छा ठीक है। चल प्रियंका मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊंगा। ठीक है ठीक है, ध्यान से जाना। क्या बात है देवर जी,
आज शर्ट में तो बड़े अच्छे लग रहे हो। थैंक यू भाभी। अरे इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हो, भाभी तो हूँ तुम्हारी। भाभी हाथ क्या हो गया, क्यों हाथ छोड़ो भाभी। अरे पागल हो गए हो क्या, इतना क्यों ऑकवर्ड फील कर रहे हो यार। भाभी बदतमीजी बंद करो, मैं आपका पति नहीं देवर हूँ भाभी। बदतमीज, तूने मुझे थप्पड़ मारा, रुक तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। ये देख अपनी वीडियो। बता कर दूं ये वीडियो वायरल? नहीं नहीं भाभी, भाभी आप प्लीज इसे डिलीट कर दो, प्लीज भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इसे डिलीट कर दो। अगर तू चाहता है ना कि ये वीडियो वायरल ना करूं, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। क्या करना होगा? क्या हो रहा है सब कुछ? देखो नीरज, तुम्हारा भाई मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, और तो और इन्होंने मेरा नहाते हुए वीडियो भी बनाया है। आप चाहे तो उनका फोन चेक कर लो। फोन दिखा अपना। तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तू मेरा छोटा भाई और तू अपनी भाभी के साथ ये कर रहा है? तुझे तो मैं शाम को बताता हूँ। अच्छा प्रियंका, मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊंगा, ठीक है? हाय अनमोल। भाभी आप क्यों आई हो आप मेरे पास, और अब तो आप मेरा ना कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि आपने वीडियो तो अब डिलीट कर दी है। जाओ यहाँ से। किसने कहा कि मैंने वीडियो डिलीट कर दिया? मैंने तो वीडियो बस प्राइवेट करी थी। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं ये वीडियो वायरल ना करूं, तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करो। देखो भाभी आप ये सब बहुत गलत कर रही हो। तुम चाहते हो मैं ये वीडियो वायरल कर दूं? नहीं नहीं नहीं। तो जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। क्या चल रहा है सब कुछ? बेबी अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारे भाई ने आज फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और तो और इनके फोन में अभी भी वो MMS है, इन्होंने वो डिलीट नहीं किया है, और वो MMS दिखा के ये मुझे अब तक ब्लैकमेल कर रही है। तुम दोनों जरा चुप रहोगे, पानी का पानी हो जाएगा। तो कितनी घटिया औरत है ना, और है ना मुझे ना तेरे पे शक उसी दिन लेके गई थी, और जब वापस आई ना तो तेरे हाथ में फोन नहीं था, लेकिन मैं ना तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, देखना चाहता था तू किस हद तक गिर सकती है, इसलिए मैं अपना फोन वहां लगा के गया था और रिकॉर्डिंग ऑन करके गया था। बेबी आई एम वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं बहक गई थी मैं, मुझे माफ कर दो। चुप हो जा, मैं ना तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए तू चली जाए यहां से। सॉरी भाई यार।